भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 9000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं अब तक 308 लोगों की जान जा चुकी है। पीड़ितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 9152 हो गई है, जिनमें 856 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ ही देश में भी लगातार कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9000 के पार पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि देश में अब तक कोरोना के चलते 308 लोगों की जान जा चुकी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण सिंह फोन लाइन पर मौजूद है। जी प्रीत, क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर? देखिए, देश भर में यह आंकड़ा अब लगभग 10,000 के करीब पहुंच रहा है। 308 लोगों की जान जा चुकी है जी। और ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि अब इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार जो राज्य सरकारें केंद्र सरकारें मिलकर जो एफर्ट ले रही है, तो लॉकडाउन जो है आगे बढ़ सकता है। स्टेट्स के अनुसार सब अपने अपने राज्यों में अपने अपने तरीके से लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, तमाम जो सरकारें हैं वो ये मानती हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को अपील भी की है। ऐसे में अब फैसले का इंतजार है केंद्र सरकार की ओर से। हालांकि कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने आज से अपने ऑफिस में जाना शुरू कर दिया है, अपना ऑफिस में जाकर काम संभाल लिया। गजेंद्र सिंह शेखावत अपने ऑफिस पहुंचे, उन्होंने कामकाज संभाल लिया। अर्जुन मुंडा, प्रकाश जावड़ेकर, किरण रिजिजू, तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने जाके काम शुरू कर दिया है। जो सेक्रेटरीज हैं उनके आस आ रहे हैं, लेकिन जो जूनियर स्टाफ है वो अभी भी घर से काम कर रहा है। तमाम स्टेप्स लिए जा रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से। हॉटस्पॉट बनाए जा रहे हैं, कंटेनमेंट बनाए जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। प्रीत किरण, जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन में एक दिन शेष है, क्या कुछ अपडेट्स निकल करके आ रही है? क्या प्रधानमंत्री देश को फिर से संबोधित करने वाले हैं? क्या केंद्र सरकार की ओर से फिर से एडवाइजरी जारी होगी? देखिए, केंद्र सरकार की ओर से जरूर एडवाइजरी जारी होगी। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जो मुख्यमंत्रियों ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके प्रधानमंत्री मोदी से बात की, वो प्रधानमंत्री मोदी इस बात से सहमत है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। जो एक्सपर्ट जिन्होंने राय दी लॉकडाउन को बढ़ाने की, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी सहमत है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है केवल और केवल देश के लोगों का जीवन जो है वो ज्यादा जरूरी है, इसलिए लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। न केवल 2 हफ्ते, इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक के बाद ये कहा कि अब प्रधानमंत्री मोदी इस बात से सहमत है और लॉकडाउन को जल्द ही आगे बढ़ाए जाने को एक ऑफिशियल ऐलान किया जाएगा। जी, देश की जनता की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं कि कब वो किसी बात की घोषणा करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का जो समय है 14 अप्रैल को पूरा हो रहा है। जी, 14 अप्रैल को पूरा हो रहा है। इससे पहले ही उम्मीद ये लगाई जा रही है केंद्र सरकार की ओर से एक एडवाइजरी जारी की जाएगी, या फिर प्रधानमंत्री मोदी खुद देश को संबोधित करेंगे। जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने 21 दिन के लॉकडाउन के लिए खुद टीवी पर आकर के ये कहा कि 21 दिन लोगों को घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ये तमाम स्टेप्स उठाने। अब एक बार फिर से इंतजार है लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से क्या कुछ कहा जाएगा, या फिर केंद्र सरकार की ओर से एक एडवाइजरी, एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण सिंह, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी किस प्रकार से केंद्र सरकार कोई फैसला ले सकती है लॉकडाउन का समय बढ़ाने को लेकर। प्रदेश